इस साल भारत करेगा क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी। व्हाइट हाउस ने बताया बाइडेन होंगे शामिल या नहीं। इस साल भारत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उपस्थिति को लेकर व्हाइट हाउस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस साल भारत में होने वाले क्वाड देशों की वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अभी भी प्रतिबद्ध हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा, हम इस साल होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी फिलहाल कैलेंडर में इसे लेकर कुछ भी तय नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जो बाइडेन अब राष्ट्रपति चुनाव के दौर से बाहर हो चुके हैं, ऐसे में निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं कि कैलेंडर पर ऐसे अवसर होंगे जो पहले नहीं थे। किर्बी ने कहा, हम सभी के दिमाग में यह बात है कि उनकी विदेश नीति के एजेंडे को आगे बढ़ाने और दुनिया भर में राष्ट्रीय सुरक्षा के अवसरों के मामले में वे मौके क्या हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा मतलब है कि देखते रहिए, समय आने पर सब पता चल जाएगा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका से मिलकर बना क्वाड जो बाइडेन की ही पहल है। अपने राष्ट्रपति पद के पहले 100 दिनों में उन्होंने 2020 में क्वाड देशों का एक वर्चुअल लीडरशिप शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। तब से क्वाड नेता रोटेशन के आधार पर वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करते रहे हैं। भारत इस वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करने वाला है। बता दें कि क्वाड चार देशों के बीच होने वाली सुरक्षा संवाद का ग्रुप है। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसमें चार सदस्य देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। ये सभी देश समुद्री सुरक्षा और व्यापार के साझा हितों पर एकजुट होते हैं। चीन इस ग्रुप का हमेशा से विरोधी रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि इसका गठन चीन के गलत इरादों को देखते हुए किया गया है। हालांकि क्वाड देशों का कहना है कि यह ग्रुप केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा हितों की रक्षा करना है। क्वाड की स्थापना की कहानी तकरीबन 20 साल पुरानी है। वैसे तो क्वाड 2017 में अस्तित्व में आया, लेकिन इसकी शुरुआत 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप और सुनामी के समय हुई। इस सुनामी ने भारत समेत कई देशों को नुकसान पहुंचाया था और इसी समय भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ आए थे। इस ग्रुप को सुनामी कोर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसने राहत और बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई। हालांकि उद्देश्य पूरा होने के बाद यह समूह बिखर गया। क्वाड का पुनर्गठन 2017 में हुआ, जब चारों देशों ने समुद्री सुरक्षा, व्यापार और आतंकवाद से निपटने के लिए एक साझा मंच की आवश्यकता महसूस की। तब से क्वाड ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है और हर साल शिखर सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें चारों देशों के नेताओं द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है।